क्या है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे किसान भाई बहनों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है, और जो व्यक्ति सेंट्रल हॉल में नारे लगा रहे थे उनकी खुद की दिल्ली की सरकार ने 23 नवंबर को इसी नए कृषि कानून को स्वीकार करते हुए उसको नोटिफाई किया, तो मैं समझता हूँ पूरे देश ने देखा है ये किस प्रकार के राजनेता है और किस प्रकार की ओछी राजनीति। तो हम तो बार बार कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया कि ऐसे तो कभी होता नहीं है कि भाई एक छोटा वर्ग इसको किसानों को भ्रमित करके कहे भाई हम कह रहे हैं इससे रिपील करो। देश के 15 करोड़ किसानों को जिस चीज का लाभ मिल रहा है उस लाभ को क्यों वंचित कर रखना चाहते हैं वो क्यों बेचारा किसान जो देश भर में इसका लाभ लेके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, अपने जीवन को सुधारेंगे, अपने बच्चों के जीवन को सुधारेंगे, उससे क्यों वंचित रखना चाहते हैं ये लोग? यही तो सवाल आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ऐसा है कि पहली बात तो जो लोग बैठे हैं उनमें कई लोगों को भ्रम है, कई गलत फहमियां हैं, जिसका आज काफी बड़े पैमाने पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुलासा किया। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि वो लगभग किसान एक ही क्षेत्र से आते हैं और देश भर में 2 बार उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया, कहा रेल रोको होगी, अलग अलग प्रकार से आंदोलन की बात की, लेकिन किधर भी देश में वो सफल नहीं हुए। यहां तक कि उनके खुद के राज्य सरकारें जहां पे हैं, जिन विचारधारा से वो लोग आते हैं उन विचारधारा की जहां पे सरकार है उसमें भी वो सफल नहीं हुए, भारत बंद या अपने कोई भी मंडी बंद करने में या रेल रोकने में। तो अपने आप स्पष्ट होता है कि देश के किसानों ने इसका स्वागत किया है और देश के किसान इन कानूनों से खुश है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं है चर्चा करने के लिए, इसलिए वो चर्चा से भाग रहे हैं। ये आज स्पष्ट हो गया।